दुकान है एरोडी रेस्टोरेंट का, आप देख सकते हैं एरोप्लेन। गाइस ये रेस्टोरेंट एरोप्लेन के अंदर है। सो गाइस हमारा जो है एरोडाइन में लंच हो गया है, अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। और आपको गैस करना होगा कि हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है, जो हमारी रिसेंट डेस्टिनेशन थी उसका भी नाम आपको बताना है और अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है हमारी इसको भी बताना है। और अभी संजय जी आप बताइए खाना कैसा लगा यहाँ पे? खाना अच्छा था, सर्विस थोड़ी स्लो थी। थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा स्लो थी सर्विस। सर्विस चार्ज ऐड किया, बट जैसे कि सर्विस चार्ज आपका डिज़ायर है कि आप देना चाहें या नहीं देना चाहें, क्योंकि सर्विस बहुत स्लो थी तो मैंने क्या किया, मैंने उसमें से सर्विस चार्ज रिमूव करा दिया और रुपीज़ लेस पे किया मैंने इनको। तो आप बताइएगा मैंने सही किया कि गलत किया। ओके तो फिर गाइस ये है एरोडीन रेस्टोरेंट, अब देख सकते हैं गाइस ये एरोप्लेन जो है इसके अंदर है और ये डेड कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया है रेस्टोरेंट बाहर से भी और अंदर से भी, ठीक है, बट एक ही प्रॉब्लम थी यहाँ पे जो थी इनकी सर्विस बहुत पुअर है। तो फ्रेंड्स अभी एरोडाइन से हम लोग लंच करके निकले हैं बाहर, हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए कितनी प्यारी सिटी है ये सामने, है ना, बहुत सुंदर, सुंदर अच्छी 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 अच्छी। आप हम पहुंच गए हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन और जो कि हम आपसे पूछ रहे थे कि क्या है, अब तो आप पहचाने गए होंगे। यस बता दीजिए संजय जी हम कहाँ पहुंचे। हम पहुंच गए हैं मेरे होम टाउन हरिद्वार। ये कौन सा शहर है? हरिद्वार। हरिद्वार और यहाँ पे आप सबको हर की पौड़ी के भी दर्शन करा दीजिए, शंकर भगवान भी है यहाँ पर। पूरा व्यू दिखा दीजिए साइड में गंगा जी का। संध्या जी इधर दिखाइएगा राइट हैंड साइड में, ये देखिए। गाइस संध्या जी और हम लोग एंटर कर चुके हैं अपनी ससुराल में। नमस्ते जी, कौन सा शेर? नमस्ते जी तुम्हारे, ठीक है, कैसे बैठे अभी? ठीक है। चलो दोस्तों जैसे आप लोगों को पता नहीं था लेकिन बता देते हैं, आरसी की तबीयत हो गई थी खराब, पिछले 4-5 दिन से एडमिट था, सिर्फ हो गया था वायरल फीवर, तो अब इसकी तबीयत थोड़ी ठीक है तो इसके हालचाल पूछ लेते हैं मिलके। आजा आरसी इधर आजा। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपनी ससुराल हरिद्वार में, चाय बननी शुरू हो गई है। जब तक चाय बन गया है तब तक मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ पूरी फैमिली से। हाँ कृष्णा आप सबसे इंट्रोड्यूस करवा दीजिए। तो फिर ये मामा जी ये मामा जी हैं और ये आशी है कृष्णा का भाई, जिसको अभी लग गई थोड़ी चोट बट अभी ये पहले से सही है। चाय और मामी जी भी आ गई हैं, मामी जी कृष्णा की मामी जी, चाय लेके अदरक वाली है, अदरक वाली चाय दिखा दो भाई एक बार कृष्णा अच्छे से। हाँ अदरक वाली चाय आओ भाई आप लोग भी पी लो हमारे साथ में। और मिलिए कृष्णा की नानी जी से, है ना, और ये है कृष्णा की बहन आयुषी और इनको तो आप जानते ही हैं और इनको भी आप जानते ही हैं। और मुझे तो खैर आप जानते नहीं होंगे क्योंकि मैं कैमरे के पीछे ज्यादा रहता हूँ, आगे कम रहता हूँ, मेरी कमेंट्री ज्यादा होती रहती है। तो गाइस आ जाइए और चाय पी लेते हैं, ये रही चाय और चाय पीते हैं आराम से। अब तुझे नहीं देखना, मुझे देखना है, मुझे दिखा, मैं बात बता दूंगा क्या ना, दिखा मुझे बता दूंगा फिर वही बात बता दूंगा। खड़ा हो खड़ा, मैं फोटो ले दूंगा और फोटो ले देगा। तो कृष्णा तो दोस्तों कृष्णा के अपने कृष्णा को लगी पैर में चोट, अपने मामा के यहाँ खेलते हुए स्लिप हो गया। अब मामा जी पूछ रहे कि क्या हुआ कैसे हुआ दिखाओ, कृष्णा दिखाने को तैयार नहीं हो रहा है। फोटो लेके दिखा मुझे फटाफट फटाफट दिखा फोटो लेके। कृष्णा क्या हो गया आपको?
चोट लगी। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया था वीडियो में, हम आज घूमने आए थे। पहले हम लोग देहरादून गए, उसके बाद हम लोग हरिद्वार आए कृष्णा की नानी के यहाँ पर। और हम थोड़ी देर ही हमें आए हुए यहाँ पे हुई थी, हम लोगों ने चाय वगैरह पी, यहाँ पे नाश्ता किया, और कृष्णा थोड़ा खेल रहा था बाहर, और उसको मून वॉक करते हुए वो स्लिप हो गया और उसके पैर में लग गई है चोट। कृष्णा, पेन हो रहा है? कितना हो रहा है? कृष्णा के नी में थोड़ी सी स्क्रैचेस आ गए हैं, ये घिस गया, थोड़ा गिर गया है, बट लकीली बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगी है। सो ही इज़ ऑल राइट गाइस। ठीक है कृष्णा, अब रुड़की जा रहे हैं घर। ठीक है, और शाम के बजे हैं 8:15, तो चलते हैं अब रुड़की। और रुड़की चलने से पहले आपको बता देते हैं कि आप हमारी वीडियो, पूरी वीडियो देखें और इसको एंजॉय करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आपसे मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। गुड नाइट। गुड नाइट। Like a bird on a tree.